बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा एसएसबी के अधिकारियों के साथ थाना कोतवाली जरवा परिसर में नेपाल राष्ट्र से सटे थाना क्षेत्र के गांव के ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों व संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई। उक्त गोष्ठी में ग्राम प्रधानों, चौकीदारों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों व संभ्रांत व्यक्तियों से सीमा पर अवैध अतिक्रमण, तस्करी, वन कटान की रोकथाम व सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस का सहयोग करने व किसी भी छोटी से छोटी घटना की सूचना से तत्काल थाना स्थानीय को अवगत कराने की अपील की गई। महोदय द्वारा उनकी समस्याओं को भी सुना गया व निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी से ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत नेपाल राष्ट्र की सीमा से सटे गांव में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी अपील की गई। शासन के निर्देशानुसार नेपाल राष्ट्र की सीमा पर उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों की सीमा पर पेट्रोलिंग व सीमा की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कवच योजना के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न केवल आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए इसका भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे आप जैसा कि अवगत हैं, हमारे साथियों ने बताया भी कि भारत नेपाल की कोई सीमा में कोई फेंसिंग नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। इधर भारत है, उधर नेपाल है और भारत नेपाल दोनों के मैत्री संबंध हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।